नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कौशिक किचन पर। आज हम बनाएंगे एकदम दुकान वाली जैसी सुपर क्रिस्पी करारे खस्ता नमक पारे। एक बार खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे और मिनटों में तैयार करेंगे और डिब्बा भर के सालों साल के लिए रखेंगे और वो भी बिना मैदा के। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपके अपने चैनल कौशिक किचन पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने लगभग 200 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। नमक पारे और ज़्यादा खस्ता व करारे बनाने के लिए मैंने इनमें 4 चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है, जिससे नमक पारे बाजार जैसे बनेंगे। टेस्ट के लिए इसमें 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। 1 चम्मच नमक। मोयन तैयार करने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मोयन मिक्स हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मोयन तैयार हो जाने के बाद इसके अंदर पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार कर देंगे। आप इसका डो जितना ज़्यादा टाइट रखोगे उतना ही ज़्यादा खस्ता व क्रिस्पी बनेंगे। आपको डो कुछ इस तरीके का टाइट गूंथना है। अब हम कुछ इस तरीके से इसका एक पेड़ा काट लेंगे। नमक पारे एकदम खस्ता बनाने हों तो आपको इन्हें रोटी से पतला बेलना है। अब आपको इन्हें कुछ इस तरीके से काट लेना है। मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख लिया था। अब हम इन्हें तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे और इन्हें चलाते रहेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इन्हें फ्राई होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब आप देख सकते हो खस्ता नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।